सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 मैंने ऑलरेडी कवर अप करवा दिया है। अगर आपने नई वीडियो देखा है उसका, तो प्लीज आप पहले उसका वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट में आपको वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से चलो हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और फिर उसका कोशेंट और रिमाइंडर बताना है, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने क्लास 8th में भी किया है, आपने 9th में भी किया है, और वही चीज अब देखो आपको 10th में भी आ रही है। चलो देखो, मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा फिलहाल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये टॉपिक क्या है। तो चलो देखो, हमको क्या बोला है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय जी एक्स। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं हमारा पी एक्स क्या दिया हुआ है और जी एक्स क्या दिया हुआ है। तो चलो जल्दी बताओ, पी एक्स क्या दिया है बेटा हमको? तो हमको पी एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ये हमारा पी एक्स है। और हमारा जी एक्स क्या दिया हुआ है, दैट इज x² माइनस 2, ये हमारा जी एक्स दिया हुआ है। तो चलो देखो, देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे बेटा। तो सीधी सी बात है, लॉन्ग डिवीजन में ये आपका हो गया डिविडेंड और ये हो गया आपका डिविजन। तो चलो डिवाइड करते हैं। चलो यहां पर देखो, ये हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, इसको आपको डिवाइड करना है बेटा x² माइनस 2 से। चलो देखो कैसे करेंगे। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप अपने फर्स्ट टर्म को देख लो। पहला टर्म क्या है, एक्स क्यूब, साइन के साथ देखना, प्लस एक्स क्यूब है। तब तुम बताओ, इस x² में से, x² माइनस 2 में से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब बन जाए बेटा। x² माइनस 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि यहां पर हमको प्लस एक्स क्यूब मिल जाए। तो ऑफ कोर्स इस x² के जगह मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहां पर मैं x को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, x इंटू x² एक्स क्यूब, राइट, और x इंटू माइनस 2 बिकम्स माइनस 2x। ठीक है, तो हमको ये पता चला कि हमको इस डिविजन में सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सच दैट x इंटू x² बिकम्स एक्स क्यूब, x इंटू माइनस 2 बिकम्स माइनस 2x। अब देखो ये माइनस 2x है ना, तो मैं क्या करूंगा, x वाले टर्म को x वाले टर्म के नीचे ही हम रख देते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये माइनस 2x है तो इसको x के ही नीचे रखो, यहां रख देते हैं माइनस 2x। ठीक है, x इंटू माइनस 2, माइनस 2x को मैं x के नीचे ही रखा। ठीक है, अगेन थोड़ी सी आप यहाँ पर स्पेस छोड़ना बेटा, स्पेस इसलिए छोड़ेंगे हम ताकि हम साइन को चेंज कर सके। प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, ये आपको मालूम है लॉन्ग डिविजन में साइन चेंज होती है। कई बच्चे ना साइन को यहीं पर ओवरराइड करते हैं, और मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता बेटा, आप बिल्कुल सेपरेटली साइन को चेंज करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब देखो x³ माइनस x³ गेट कैंसल आउट। अगेन देखो ये माइनस 3x² एज इट इज यहां हम लिख देंगे माइनस 3x². अगेन बताओ प्लस 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा बेटा, 5, 6, 7x, तो प्लस 7x, और ये आ जाएगा यहां माइनस 3 एज इट इज। ठीक है, अब हमको मूव करना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलो जल्दी से नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा ये मुझे बताओ। अगेन देखो यहां फर्स्ट टर्म देखो बेटा, माइनस 3x² हमारा डिविजर है x² माइनस 2। अब इस x² माइनस 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको माइनस 3x² मिले। तो मुझे ये x² माइनस 2 में से माइनस 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि अगर मैं माइनस 3 इंटू x² करूं तो मुझे माइनस 3x² मिल जाए, और माइनस 3 इंटू माइनस 2 करूंगा तो मुझे 3 2 माइनस माइनस प्लस, और 3 2 6, तो प्लस 6 मुझे मिलेगा। तो मुझे क्या पता चला कि इस x² माइनस 2 में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 3। सच डेट जैसे माइनस 3 करूंगा तो माइनस 3 इंटू x² हमको मिलेगा माइनस 3x², और हम माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6, तो उसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, प्लस 6 मिलेगा, राइट। तो जल्दी से अगेन थोड़ी सी लाइन छोड़ना, अगेन फिर साइन हम चेंज करेंगे, माइनस विल बिकम प्लस, ठीक है, प्लस विल बिकम माइनस। ये वाला का साइन मत चेंज करना बेटा, है ना, सिर्फ नीचे वाले की साइन चेंज होती है।
अगेन देखो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर गेट कैंसल आउट, इसको एज इट इज रख दो, ये हो जाएगा प्लस सेवन एक्स, या सिर्फ सेवन एक्स भी लिख सकते हो आप, माइनस थ्री माइनस सिक्स कितना हो जाएगा बेटा माइनस नाइन, ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस कहेगी तो सेवन एक्स माइनस नाइन। तो देखो यहां हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमको बोला था कि पी एक्स को जी एक्स के साथ डिवाइड करो और जो क्वेश्चन और जो रिमाइंडर आएगा उसको लिख दो। तो बताओ भाई आपका क्वेश्चन कितना आया बेटा, आपका क्वेश्चन आया है एक्स माइनस थ्री, राइट, ये आपका क्वेश्चन हो गया, और जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आया है हमारा सेवन एक्स माइनस नाइन, सो दिस मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा लॉन्ग डिविजन मेथड, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ लॉन्ग डिविजन मेथड जो है बेटा वो प्रैक्टिस जरूर मांगता है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इसके क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव को हमको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। तो चलो सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपको, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, पी एक्स क्या दिया है हमको, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, उसमें पी एक्स दिया है बेटा हमको एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, और उसका जी एक्स कितना दिया हुआ है हमको, जी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, करेक्ट है। नाउ जल्दी से हम इसको डिवाइड करेंगे, चलो तो ये हो गया हमारा पी एक्स विच इज एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, और ये हो गया हमारा जी एक्स विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, ठीक भाई, इसको आप डिवाइड करना है। नाउ देखो कभी भी एक काम किया करो, जैसे मेरा यहाँ जी एक्स है, मैं ना इसको थोड़ा सा करेक्ट वे में लिख देता हूँ बेटा, कभी भी देखो अगर मेरा जी एक्स दिया है ना तो मैं इसको ना ऐसे फॉर्म में लिखूंगा जो ये मुझे मदद कर सके, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉन्स्टेंट पहले लिखा है, तो मैं काम करता हूँ उसको वापिस से ऐसा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर मैं पहले एक्स वाला टर्म लिख देता हूँ तो माइनस एक्स प्लस वन, तो ये थोड़ा सा ठीक है, इससे हमको मल्टीप्लाई करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो रीअरेंज कर दिया मैंने उसको, तो यहां पर भी वैसे ही लिख लेते हैं, इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो चलो अब हम अपना लॉन्ग डिविजन करना स्टार्ट करेंगे, अब मैं आपको साइड में मल्टीप्लाई करके नहीं बता रहा हूँ, अब अपन यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो बेसिक था, होपफुली आप लोग को समझ में आया हुआ, अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। चलो देखो सबसे पहले बताओ x की पावर 4 लाने के लिए इस पूरे टर्म को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, यहाँ x स्क्वायर है तो मुझे इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 4, करेक्ट है, अगेन x स्क्वायर इंटू माइनस x हो जाएगा माइनस x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स बिकम्स माइनस एक्स क्यूब, अगेन एक्स स्क्वायर इंटू वन हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, एज इट इज लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अगेन थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे वहां हम साइन चेंज करने के लिए, अगेन देखो साइन चेंज करना है, माइनस विल बिकम सॉरी प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, अगेन प्लस विल बिकम माइनस, साइन चेंज करने के लिए हमेशा लाइन छोड़ना। अगेन देखो प्लस एक्स की पावर फोर माइनस एक्स की पावर फोर आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आपको कुछ अजीब टाइप का दिख रहा होगा कि यहाँ माइनस थ्री एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ माइनस एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो अब क्या करें, तो बेटा कुछ करना नहीं है, अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म हम जानते हैं ना ही ऐड हो सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अरे बिल्कुल सिंपल है भाई, इसको एज इट इज लिख दो ना, अनलाइक टर्म है सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो इसको एज इट इज लिख दो, पहले एक्स क्यूब वाला लिख देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब, तो इसको मैं x क्यूब लिख देता हूँ, ठीक है। अगेन ये हो गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो इसको भी मैंने एज इट इज लिख दिया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, अगेन ये वाला भी टर्म है इसको भी एज इट इज यहाँ लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन ये क्या है प्लस फोर एक्स, इसको भी यहाँ लिख दिया प्लस फोर एक्स, अगेन यहाँ पर लिख दिया इसको प्लस फाइव, आया समझ में, फिर से बता देता हूँ, देखो अनलाइक टर्म है, एड सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, इसको एज इट इज लिख दो,
पहले प्लस एक्स क्यूब लिख दिया, फिर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस फोर एक्स लिख दिया, फिर प्लस फाइव लिख दिया, करेक्ट है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहां पर देखो दो एक्स स्क्वायर वाले टर्म दिख रहे हैं, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, अच्छा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, सीधी बात है माइनस माइनस प्लस, तो थ्री प्लस वन फोर, तो ये माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ये वाला जो स्टेप है काफी इंपॉर्टेंट है और 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ना बेटा यहाँ आके फंस जाते हैं कि अब क्या करें अब क्या करें। कुछ भी नहीं है भाई, जैसे हम प्लेन सॉल्व करते हैं, प्लेन मैथमेटिक्स है, अनलाइक टर्म है तो एज इट इज लिख दो, उसके बाद देख लो कुछ आइडिया सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या, और कुछ आइडिया सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो आइडिया सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या प्रॉब्लम है। अब देखो मैं यहां पर यहां तक कर लिया, अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं भाई। चलो अब देखो ये एक्स क्यूब है बेटा, तो बताओ इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि पहले मुझे एक्स क्यूब मिल जाए। तो एक्स स्क्वायर में अगर हम प्लस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मिल जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बिकम्स एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस एक्स बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन बिकम्स एक्स, तो प्लस एक्स, करेक्ट है। अगेन साइन चेंज करेंगे, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस। साइन चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अगेन बताओ प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब गेट कैंसल आउट, करेक्ट है। अगेन माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बिकम्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, अगेन प्लस फोर एक्स माइनस एक्स बिकम्स प्लस थ्री एक्स, प्लस फाइव। होपफुली प्लस माइनस में आप लोग मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है, होपफुली प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया मेरा, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं भाई आगे। अब बताओ यहाँ एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है भाई, अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस थ्री एक्स स्क्वायर मिले। ऑफ कोर्स मुझे माइनस थ्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर बिकम्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री इंटू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स, अगेन माइनस थ्री इंटू प्लस वन, तो माइनस प्लस माइनस, थ्री वन जा थ्री। चलो साइन चेंज करेंगे, अब साइन चेंज करो, माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, ये तो कैंसल हो गया, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल, प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स भी कैंसल हो गया, अगेन प्लस फाइव प्लस थ्री कितना हो जाएगा एट, ठीक है। तो ये पूरा डिवीजन हमने सॉल्व कर लिया बिल्कुल अच्छी तरीके से, एकदम सुंदरता के साथ हमने सॉल्व किया, कहीं कोई देखो आपको ऐसा खिचड़ी टाइप की नहीं दिख रही होगी, हर एक स्टेप मेरा बिल्कुल क्लियर है, और इसी टाइप से आपको बोर्ड का एग्जाम भी लिखना है बेटा, कहीं पर भी आपका हॉचपॉच नहीं दिखना चाहिए, एकदम क्लियर क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे आपने किया है, ताकि अगर कुछ छोटी बहुत मिस्टेक भी हो जाए ना तो वो हमको दिख जाए। तो जितना साफ सुथरा बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो देखो क्वेश्चन कितना आ गया हमारा, क्वेश्चन आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, और जो हमारा रिमाइंडर आ गया वो आ गया हमारा एट। ये होता है हमारा क्वेश्चन और ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक। तो यहां से क्वेश्चन और रिमाइंडर आपका निकल जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको यहां तक अभी समझ में आया होगा, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से समझो, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वापस से एक बार इसको बैक करके वीडियो को फिर से एक बार आप देखो, एक बार दो बार तीन बार, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है और काफी अच्छा वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलो फिलहाल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने फर्स्ट सेकंड बताया आपको, मेरे ख्याल से ये थर्ड वाला अब आपसे बनेगा, तो मैं इसको आपके लिए होमवर्क दे देता हूं, होपफुली आप लोग उसको बना लो, ठीक। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में वो बोल रहा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। अगेन वन एंड ऑल सेम चीज है, By dividing the second polynomial by first polynomial. हमको चेक करना है कि ये वाला जो polynomial है वो इस polynomial का factor है कि नहीं है। हमको चेक करना है कि ये वाला जो polynomial है वो इस polynomial का factor है कि नहीं है। Again देखो it is very easy, ठीक है। Same वैसे ही है बेटा, long division method से हमको इसको करना है, और अगर आपको factor वाली चीज याद होगी तो ये आपने ninth class में ही पढ़ा है। देखो
अगर ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, तो जब आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करोगे ना, तो आपका रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर जीरो आता है तो उस केस में ये इसका फैक्टर होगा, नहीं तो उसका फैक्टर नहीं होगा। इसका मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूं, क्योंकि ये भी लॉन्ग डिविजन ही है, बस रिमाइंडर जीरो आएगा तो फैक्टर होगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। तो इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बस करके बताऊंगा, सेकेंड और थर्ड ये वाले जो है ये क्वेश्चन अगेन आपके लिए मैं होमवर्क दूंगा। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज 2.3 ना, इसको हम टू पार्ट में करेंगे। ये आपका वीडियो का पार्ट वन रहेगा और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो पार्ट टू रहेगा, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस है वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। जल्दी से इसका फर्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन टू का फर्स्ट। इसमें ना बेटा देखो, हमको इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, तो एक काम कर लेता हूं मैं, पीएक्स ले लेता हूं। पीएक्स मुझे दिया है ये पूरा, क्या दिया है, 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। काफी बड़ा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। नाउ जीएक्स भी दिया हुआ है हमको, जीएक्स दिया है टी का स्क्वायर माइनस 3। चलो कोई बात नहीं, करेंगे, हम सीख चुके हैं लॉन्ग डिविजन कैसे करना है, तो डरने की कोई बात ही नहीं, फटाफट करेंगे। चलो क्या दिया हुआ है भाई, यहां लिख लेते हैं, 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अगेन ये है t स्क्वायर माइनस 3 से हमको इसको डिवाइड करना है। कर लेंगे भाई, कोई बड़ी बात है क्या? बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा ये भी डिवाइड। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले देखो 2t की पावर 4 बेटा, 2t की पावर 4 लाने के लिए हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको इसको 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि 2t स्क्वायर इंटू t स्क्वायर बिकम्स 2t की पावर 4। अगेन 2t स्क्वायर इंटू माइनस 3 बिकम्स क्या हो जाएगा बताओ, 2t स्क्वायर इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 3 6 तो -6t स्क्वायर। मैं यहाँ अलग से करके बता दिया आपको ताकि कंफ्यूज ना हो, तो 2t स्क्वायर इंटू माइनस 3 करोगे तो इट विल बिकम -6t स्क्वायर। उसको t स्क्वायर के नीचे लिख देते हैं, साइन चेंज करो, अगेन साइन चेंज करोगे, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस। तो देखो ये कैंसिल कर दो, ये तो हो गया कैंसिल, ये देखो -2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इट विल बिकम +4t स्क्वायर। अगेन बताओ इसको एज इट इज लिखते हैं, -9t माइनस 12। अगेन हमको यहां देखना पड़ेगा कि +3t क्यूब कैसे लाएंगे बेटा, तो यहां पर देखो टी स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि +3t क्यूब आ जाए, बिल्कुल सिंपल है, अपन इसको +3t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो +3t इंटू t स्क्वायर बिकम्स 3t क्यूब +3t इंटू माइनस 3, तो 3 3 9 -9t, ये -9t, ठीक, 3 3 9 माइनस आएगा तो -90। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं इसको, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा ये, है ना, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, अगेन इसको आप कैंसिल कर दो, तो ये बचेगा 4t स्क्वायर। अगेन देखो -90 +90 भाई कैंसिल हो गया और यहां बचा -12। अगेन बताओ टी स्क्वायर माइनस 3 में क्या मल्टीप्लाई करें 4t स्क्वायर लाने के लिए, तो एक काम करते हैं अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस 4 से करना पड़ेगा, 4 इंटू t स्क्वायर 4t स्क्वायर और प्लस 4 इंटू माइनस 3 बिकम्स 4 3 12, तो -12। अगेन साइन चेंज करो, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। मिशन सक्सेसफुल हो गया भाई, मिशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। हमको पूछा था कि क्या ये वाला जो जी एक्स है इस पी एक्स का फैक्टर होगा क्या, यानी हमको पूछा था क्या ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है क्या, तो बिल्कुल है। अगर इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, देयरफॉर आप बोल सकते हो देयरफॉर टी स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। So this must be your answer. Hopefully आपको समझ में आया होगा। मैंने जो होमवर्क क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके रखना, उसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, होपफुली मैं आप लोग को रिप्लाई करूंगा। इसके बाद इसका इसी लेक्चर का पार्ट टू
जो है मैं आपको जल्दी इस आपके YouTube चैनल में डाल दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर देना बेटा, और जितना हो सके इसे शेयर करो यार, है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।